हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी पी वाई क्यू देख रहे हैं, तो आज उसका चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में थिंकर है, लिस्ट टू में कॉन्सेप्ट है। थिंकर है हमारा रॉबर्ट मिचेल, स्टीवन लुकाक्स, एंथनी गिडिंग्स, माइकल फूको। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है पावर एज डोमिनेशन, पावर एज डिपेंडेंसी ऑफ डोमिनेशन, द आयरन लॉ ऑफ द ओलीग्रेसी एंड पावर एज द ह्यूमन एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मिशेल, द आयरन लॉ ऑफ ओलीग्रेसी से संबंधित है। स्टीवन लुकाक्स का संबंध पावर ऑफ नॉलेज से है। तो रॉबर्ट मिशेल द आयरन लॉ ऑफ ओलीग्रेसी, स्टीवन लुकाक्स का संबंध है पावर एज ह्यूमन एजेंसी, एंथनी गिडेंस पावर एज डिपेंडेंसी एंड डोमिनेशन की बात करते हैं, मिशेल फूको पावर एज डोमिनेशन की बात करते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं कि रॉबर्ट मिशेल अल्पतंतु का बड़ा कानून की बात करते हैं, स्टीवन लुकाक्स मानव अभिकरण एजेंसी के रूप में शक्ति को देखते हैं, वहीं एंथनी गिडेंस शक्ति की निर्भरता तथा प्रभुत्व के रूप में बात करते हैं, और मिशेल फूको एक प्रमुख रूप में शक्ति की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आथर और बुक से संबंधित है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। क्लिफोर्ड गेट्स, ए अग्रवाल, जी शिवा और सी ए काटजा। तो सी ग्लिट्स का संबंध हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर इन्वोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी चेंज इन इंडोनेशिया। और अग्रवाल का संबंध हमारा हो जाएगा इन्वायरमेंटलिटी से। बी शिवा का संबंध हमारा हो जाएगा स्टेइंग अलायंस ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से। जी ए कॉटजे का संबंध होगा इंडिजीनियस कम्युनिटी रिकिडलिंग द टीचिंग ऑफ द श्वेत फायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री। अगला प्रश्न है लिस्ट द मैच लिस्ट वन टू लिस्ट टू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो है सोशल चेंज का संबंध हमारा पिलबर्ट मुरे से है। सोशल चेंज का संबंध पिलबर्ट मुरे से है। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नील जे स्पेंसर, यह लगभग हर बार पुस्तक पूछी जाती है। द फैमिली की बात विलियम जे गुडे करते हैं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ इन इक्वेलिटी की बात मेल्टिन ट्विमिन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला भी लिस्ट द मैच है। सूची एक में पुस्तक है, सूची दो में लेखक है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, या इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। रिलीजियस एंड सोसाइटी एमंग द कुकर्स ऑफ साउथ इंडिया, यह पुस्तक हमारा एम एन श्रीनिवास की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जो संस्कृतिकरण की अवधारणा इसमें उन्होंने दिया था। द साइंस ऑफ कल्चर की बात करते हैं लेस्ली वाइट, और द नेचर ऑफ कल्चर की बात करते हैं ए प्रोबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक का थर्ड, बी का वन, सी का फोर और डी का सेकेंड। अगला प्रश्न भी लिस्ट द मैच है बुक्स या वर्क्स और सोशियोलॉजिस्ट। तो रिसर्च इन सोशल रिलेशन, मेथड इन सोशल रिसर्च, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, द स्टैटिकल रीजनिंग इन सोसाइटी। इसका हो जाएगा द रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन या सेल्डिक और जहोदा से संबंधित है। मेथड इन सोशल रिसर्च की बात विलियम और गुडे और हार्ट करते हैं, और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड या इमाइल दुर्खीम से संबंधित है, और स्टैटिकल रीजनिंग इन सोसाइटी यह पुस्तक हमारा सूसर और मूलर से संबंधित है। सूसलर और मूलर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का थर्ड, तो दो। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप प्रपोज्ड बाय अगस्त कांटे द प्रॉपर सीक्वेंस। तो त्रिस्तरीय नियम जो अगस्त कांटे ने दिया है उसको अरेंज करना है। धर्मशास्त्री, निश्चयात्मक चरण या तत्वमीमांसी चरण, दिए गए विकल्पों के अनुसार उनका क्रमबद्ध करना है। सर्वप्रथम
ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा धर्मशास्त्री चरण, उसके बाद तत्व मीमांसी चरण नंबर एक पे, नंबर दो पे, और नंबर थ्री पर तार्किक या बौद्धिक चरण या पॉजिटिविस्ट आएगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रौद्योगिक क्रांतियों को उनके होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुद्रण क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति या जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। तो सर्वप्रथम हुआ था मुद्रण क्रांति, जो कि बहुत पहले हुआ था, उसके बाद औद्योगिक क्रांति, उसके बाद हरित क्रांति, उसके बाद हमारा जैव प्रौद्योगिकी क्रांति हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर की कृतियों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हु आर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, कास्ट इन इंडियन, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द बिकेम अनटचेबल्स। तो इसको कालक्रम में करना है। तो यह सबसे पहले कास्ट इन इंडियन, देयर मैकेनिज्म, जेनिस, यह उनका पीएचडी रिसर्च है, पहला रिसर्च था जो उन्होंने दिया, पब्लिकेशन पीएचडी का शोध ग्रंथ था उनका, तो पहली बुक ये हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा दो हो जाएगा। इसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर द शूद्रा, और लास्ट में इन्होंने द अनटचेबल, हु आर द व्हाट द बिकेम अनटचेबल शामिल है। तो इसका सही क्रम होगा पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। तो राइट आंसर दो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन सीक्वेंस एज पर द ऑकरेंस ड्यूरिंग ए ईयर। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों को उनके मनाए जाने वाले सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम वन्य विश्व वन दिवस मनाया जाता है, उसके बाद विरासत दिवस, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस, और सबसे आखिरी में विश्व ओजोन ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा ए बी सी ई डी। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में 2000 वर्ष में की गई गणना के अनुसार शहरीकरण के उनके स्तर पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो सर्वाधिक अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में करना है। तो सर्वाधिक शहरीकरण हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में, देन गुजरात में, देन पंजाब में, देन हरियाणा में, और सबसे कम शहरीकरण क्षेत्र पाया जाता है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ी इलाका है, तो देन हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, बी सी ई डी ए। अगला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, इन परिप्रेक्ष्यों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मार्क्सवादी नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, श्याम श्वेत नारीवाद, या ब्लैक फेमिनिज्म, या उग्र नारीवाद। इसका सर्वप्रथम पहले उदारवादी नारीवाद आएगा, देन मार्क्सवादी नारीवाद, देन उग्र नारीवाद, देन ब्लैक फेमिनिज्म या श्वेत नारीवाद, और सबसे लास्ट में उत्तर आधुनिक नारीवाद आएगा। तो सर्वप्रथम उदारवादी नारीवाद, ऐसे नंबर एक पे उदारवादी, नंबर दो पे मार्क्सवादी, नंबर तीन पे उग्रवादी, नंबर चार पे ब्लैक फेमिनिज्म या श्वेत नारीवाद, या फिर नंबर पाँच पे आ जाएगा हमारा उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी सी ए ई, सी ए ई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, सी ए ई डी बी। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनलिस्ट ऑफ द क्रिमिनोलॉजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूट। तो निम्नलिखित प्रकारवादियों में उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम आएंगे, देन बी मैलिनोवस्की, देन रेडक्लिफ ब्राउन,
सर्वप्रथम माइल दुखी नंबर वन पे, नंबर दो पे मलिनोवस्की, नंबर थ्री पे रेडक्लिफ ब्राउन, नंबर चार पे आर के मर्टन और नंबर पाँच पे टालगस पार्सन्स हैं जिन्होंने अपना योगदान पकारवादियों के रूप में दिया है। तो सी बी ए डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, नंबर चार पे टॉलगट पार्सन्स आएंगे और सबसे आखिरी में मर्टन आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बी ए ई डी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नंबर एक पे दुर्खीम, नंबर दो पे मलिनोवस्की, नंबर तीन पे ब्राउन, नंबर चार पे पार्सन्स और आखिरी में टॉलगट आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम की निम्नलिखित कृतियों को सही कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मॉरल एजुकेशन, द डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस टॉक। तो इनकी पहली पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर एक पे आ जाएगा द डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद सुसाइड, उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और आखिरी में मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं। तो नंबर वन पे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर दो पे रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, नंबर तीन पे सुसाइड, नंबर फोर पे एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और नंबर फाइव पे मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं तुर्की। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो सर्वप्रथम इसमें आ जाएगा पहले नंबर पे संन्यास आश्रम, सॉरी 36। तो सर्वप्रथम आएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, दिन आएगा गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आएगा संन्यास आश्रम और लास्ट में वानप्रस्थ, लास्ट में संन्यास आश्रम। तो नंबर एक पे आ जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 0 से 25 वर्ष तक होता है, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 तक और आखिरी में संन्यास आश्रम आता है। तो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और आखिरी में नंबर चार पे संन्यास आश्रम की बात होगी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किन समाज शास्त्रियों में विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है तथा उसे आगे बढ़ाया है, अर्थात विनिमय सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है। बी मलिनोवस्की, पीटर एम ब्लाउ, आर रेडक्लिफ ब्राउन, जी होमन्स और टालगट पार्सन्स। तो विनिमय सिद्धांत से संबंधित है बी मलिनोवस्की, पीटर एम ब्लाउ और जी होमन्स, ए बी डी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है, कथन एक है ए वैन जेनेप के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान डायरेक्ट राइट को अभिशाप अथवा घटना वध स्पेल होता है। दूसरा कथन है प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता एजेंट के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है कि ए वान जेनेप के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान डायरेक्ट राइट को कोई अभिशाप अथवा घटना अवधि होता है। दूसरा प्रत्यक्ष अनुष्ठान बाहरी अभिकर्ता एजेंट के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम से प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। तो दोनों कथन हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कथन है अत्यधिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। कारण है यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पर अत्यधिक आधुनिक निर्धनता सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती भरा कार्य है क्योंकि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है, मतलब यह जरूरी भी है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर करेक्ट एंड सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है
लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु इस पर राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तथा प्रायः हर जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। कथन दो, इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है तथा जिस विधि से इसके कारण कार्यकारण से सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है या इसमें छल योजना का उपयोग किया गया है उपयोग हुआ है, यहाँ दोनों कथन सही हैं कि वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु इस राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ रही हैं, यह कथन सही है। और इस व्यवस्था में विफलता का कारण संस्था का दोष न दिया जा सकता है, बल्कि इस विधि में कार्य करने अथवा जिसका कार्यकारण से को सत्ताधारियों ने तोड़ा मरोड़ा है इसे या इसमें छल योजना का उपयोग किया है या इसके कमियों का कारण है, तो यह दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अवधारणाओं तथा उपागमों को संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथन दूसरा है, संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग एम एन श्रीनिवासन ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया है, तो कथन दो एकदम गलत है। संरचना में परिवर्तन के लिए नहीं, गतिशीलता के लिए एम एन श्रीनिवास प्रयोग करते हैं, और कथन एक हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन, पहला कथन है, अल्फ्रेड सूट्स के अनुसार प्राकृतिक आवृत्ति को काल द्वारा दैनिक जीवन में की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। कथन दो है, सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचिता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती हैं, तो यहाँ कथन नंबर एक, अल्फ्रेड सूट्स के अनुसार प्राकृतिक आवृत्ति काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया में पारगम्य नहीं होती, यह कथन हमारा गलत है, जबकि पारगम होती है। दूसरा कथन, सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता पूर्व परिचिता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती हैं, तो यह कथन सही है, तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो यह थी PYQ पेपर, आगे है संदर्भ गद्यांश से आधारित पुस्तक 10 10 क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम नहीं देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च राजपूत सनी के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं, जहां पर 1 PM और 9 PM पर डेली क्विज होता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।